हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। कितने लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हो? आप लोग मेरे को बताना कितने लोग देख रहे हो। और बहुत कम लोगों का होमवर्क आ रहा है, सो इट इज वेरी सैड टू सी दिस। आप लोगों को होमवर्क करना चाहिए, थोड़ी सी मुश्किल है तो उसके लिए क्या करोगे, पढ़ाई तो करो। एंड देन इन बातों को हम बाद में करेंगे। दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दिस इज द पोर्शन ऑफ दिस लेसन सेकेंड ऑफ इंडियन पॉलिटी क्लास सिक्स, दैट इज सोशल एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। नहीं, सोशल एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ओके, सो हमने बहुत सी चीजें पढ़ी, डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे साथ या फिर हमारे सोसाइटी में हम इनइक्वालिटी देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में है, बिजनेस करते हैं, कारपेंट्री का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। ठीक है, इन वर्क्स को वैल्यूड वर्क माना जाता है। मतलब लाइक टीचिंग, फार्मिंग, फिशिंग एंड बिजनेस। ओके, these works are what? These works are valued. इन works को क्या माना जाता है? valued. ये काम करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस there आर मेनी पीपल इन द सोसाइटी हु डू क्लीनिंग वर्क, वॉशिंग वर्क, हेयर कटिंग वर्क। ठीक है, तो इस काम को हमारे सोसाइटी में छोटे काम के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, और जो लोग इस काम को करते हैं दे आर कंसीडर एज इम्प्योर। उनको हम इम्प्योर समझते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी क्या समझती है, इम्प्योर समझती है। एंड सो दैट दे अर्न अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर लेबर। वो अपने मेहनत के बदले बहुत ही कम अमाउंट में पैसे कमाते हैं। अब जब पैसा कम, यानी वो गरीब रह जाते हैं। ठीक है, जब वो गरीब रह जाते हैं तो ये हमारी बिलीफ एक हमारे मन में क्रिएट हो जाती है कि जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो मेडिकल में डॉक्टर हैं, दे आर फाइन, दे आर एजुकेटेड, दे आर वेरी गुड पीपल। ओके, ये हमारा बिलीफ हो जाता है। और जो लोग क्लीनिंग वर्क करते हैं या और भी गार्बेज कलेक्शन का वर्क, हेयर कटिंग का वर्क करते हैं, वो क्या है, वो छोटे काम करने वाले लोग हैं। मीन्स दे आर डर्टी और इम्प्योर पीपल। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, यहीं से इसी बिलीफ के वजह से एक शुरुआत होती है हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम की। व्हाट? कास्ट सिस्टम। ठीक है, इसी बिलीफ के वजह से हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम स्टार्ट होता है। और फ्यू पीपल हैज प्लेस्ड देमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द लैडर। ये एक सीढ़ी अगर हम बना दें इस कास्ट सिस्टम को, हमारी सोसाइटी एक लैडर में बटी हुई है अगर हम ऐसा मान लें, तो कुछ लोगों ने अपने आप को टॉप ऑफ द लैडर पे बैठाया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली अपर कास्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग इसके नीचे हैं, वेरी इन द बॉटम, ओके, जो बॉटम में है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लोअर कास्ट। ठीक है, लोअर कास्ट पीपल। अब लोअर कास्ट और इसके बीच में है जो एक दूसरे से जैसे जैसे लोग हैं, कोई इनसे छोटा, फिर इनसे छोटा, फिर इनसे छोटा, फिर इनसे छोटा, फिर इनसे छोटा, और ये है सबसे छोटे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं लोअर कास्ट पीपल। ये अपर कास्ट है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, और ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल है, जिनको इस कास्ट सिस्टम के लैडर में कहां पे बैठा दिया गया, सबसे नीचे बैठा दिया गया। ठीक है, अब क्या हो गया, लोअर कास्ट जो है इनको तो पहले से ही हमने इम्प्योर समझ लिया। इम्प्योर समझने के बाद से क्या हुआ,
अब इनके लिए हमने सर्टेन वर्क्स डिस्क्राइब कर दी कि बस आपको क्या करना है, यू आर ओनली बाउंड टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग एंड व्हाट दैट वर्क इज जस्ट टू क्लीन द विलेज इफ देयर इज अ डेड बॉडी इनसाइड द विलेज ऑफ एनी एनिमल यू हैव टू रिमूव इट. ओके, मतलब जो भी छोटे मोटे अजीब से काम, जैसे कोई जानवर मर गया गांव में तो उसके डेड बॉडी को रिमूव करना, क्लीनिंग करना. उस समय जो है ना, एक पहले के लोग टॉयलेट को जो टॉयलेट करते थे अपने लैट्रीन वगैरह में, कह सकते हो अपने टॉयलेट में, तो उस टॉयलेट को ये जो लोअर कास्ट के लोग है ना, उनको अपने टोकरी में उठा के और ऐसे सर पे ले जाना पड़ता था. सोचो ये कितना कितना इनह्यूमन है. इन लोगों को वो काम भी करना पड़ता था. ठीक है, समझ रहे हो? अपार्ट फ्रॉम कि जंग गांव से जो लोग, गांव में कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसको भी रिमूव करने का काम इनका ही था. ठीक है, तो ये जो लोअर कैस्ट के लोग थे इनको हम क्या बोलते थे, क्योंकि ये सो कॉल्ड गंदा काम करते हैं, ठीक है, तो इनको सोसाइटी ने बोलना शुरू कर दिया अनटचेबल्स, मतलब अछूत. इनको क्या बोलने लगे लोग, अछूत. लेकिन ये लोग को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हम लोग इतना काम करते हैं, बेशक हमें खाना नहीं मिलता है, हमें अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम हमें अच्छे से एड्रेस तो किया जाए. तो उन्होंने अपने आप को एड्रेस करने के लिए एक वर्ड यूज किया. किसको रिप्लेस करने के लिए? अनटचेबल्स हम उनके लिए यूज करते हैं ना, अनटचेबल्स को रिमूव करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए उन्होंने अपने आप को दलित बताया. दे चूज द वर्ड दलित टू एड्रेस देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ अनटचेबल्स. अनटचेबल्स के जगह पर उन्होंने कौन सा शब्द चुना? दे प्रेफर टू चूज दलित. ओके, दलित का मतलब होता है टू बी ब्रोकन. दलित का मतलब होता है जिन्हें सदियों से तोड़ा गया हो, दबाया गया हो. ठीक है, तो उन्होंने दलित वर्ड का यूज किया अपने आप को एड्रेस करने के लिए. ठीक है, जैसे अपर कास्ट के लोग अपने आप को एड्रेस करने के लिए क्या कहते हैं? बाबू. ब्राह्मण लोग, राजपूत, ठीक है, भूमिहार, बहुत सारे लोग हैं. तो उसी तरह से इन लोगों ने अनटचेबल्स, मतलब अछूत नाम इन्हें पसंद नहीं था, तो इन्होंने अपने आप को एड्रेस करने के लिए कौन सा टर्म यूज किया? दे यूज द टर्म दलित. दलित इज अ टर्म यूज बाय द लोअर कैस्ट पीपल टू एड्रेस देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ व्हाट? अनटचेबल्स. अनटचेबल्स की जगह पर उन्होंने दलित वर्ड यूज किया. भारत सरकार दलित नहीं बोलती है. भारत सरकार इन लोअर कैस्ट पीपल को क्या बोलती है? शेड्यूल कास्ट, एससी बोलती है. क्या बोलती है? एससी. इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है इन्हें? जीओआई. इन्हें क्या बोलती है? एससी. ये खुद लोअर कैस्ट वाले लोग इन्हें क्या बोलते हैं? एलसी. मतलब लोअर कैस्ट वाले लोग इन्हें क्या, अपने आप को क्या बोलते हैं? दलित. और सोसाइटी इन्हें क्या बोलती थी? सोसाइटी. सोसाइटी इन्हें बोलती थी अनटचेबल्स. ओके, अनटचेबल्स. गॉट इट? ये बात समझ गया आप लोग? और ये भी समझ गया कि कैस्ट सिस्टम क्या होता है? इट इज अ लैडर इन विच फ्यू पीपल हैज प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप एंड दे आर कॉल्ड टॉप अपर कैस्ट एंड द लोअर और यू कैन से बॉटम पीपल इन दिस लैडर आर कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल. गॉट इट? लोअर कास्ट के लोगों को कौन से काम करने पड़ते थे? छोटे काम जो भी है, जैसे कि कोई एनिमल मर गया तो उसको गांव से रिमूव करना, लोगों के क्लीनिंग करना, लोगों के घरों की सफाई करना, टॉयलेट की सफाई करना, ये सब काम इनका होता था. अब ये करने के बाद भी इनको गांव के लोग अपने घर में बिल्कुल नहीं बैठाते थे. अपने घर में क्या, अपने घर के बर्तन से इन्हें खाना नहीं देते थे. गांव का जो वेल होता था, कुआ होता था, उससे पानी लेना इनके लिए अलाउड नहीं था. ठीक है, इनको गांव से अलग रहना पड़ता था. इसी वजह से इनको लोग अछूत मानते थे. लेकिन इन्होंने अछूत के जगह पर कौन सा यूज वर्ड यूज किया अपने आप को एड्रेस करने के लिए, अपने आप को
एक तरह से आइडेंटिफाई कराने के लिए दलित. दलित का मतलब क्या होता है? ब्रोकन. दलित का मतलब क्या होता है? ब्रोकन. दलित की जगह पर इंडियन गवर्नमेंट क्या यूज करती है? एससी. एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट. गॉट इट? सो ये था इनइक्वालिटी. हमारे कास्ट सिस्टम कैसे इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है हमारे सोसाइटी में, देती थी. आज गवर्नमेंट बहुत सारी काम कर रही है उसे हटाने के लिए. ओके अब इसी दौरान इसी कास्ट सिस्टम में लोअर कास्ट हमने पढ़ा, अब अंबेडकर साहब की कहानी आती है. ही इज द फादर ऑफ अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो पहले ऐसे दलित थे, पहले ऐसे अनटचेबल्स थे, अनटचेबल थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी की उन्होंने, फिर लंदन गए, लंदन जाके वकील, मतलब वकील बन के आए, लॉ पढ़ा, लॉयर बने, फिर अमेरिका गए, अमेरिका में उन्होंने इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया, ठीक है, और फिर इंडिया आए और इंडिया में वो उनको जिम्मेदारी मिली भारत का संविधान लिखने के लिए. उससे पहले वो दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे. दलित के इतनी बुरी कंडीशन थी ना दलित की, देखा ना आपने कैसी बुरी कंडीशन, क्या क्या करना पड़ता था उनको, आज भी करना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पे मैन होल एक्सकवेंजर्स का काम करना पड़ता है. मतलब मैन होल है ना, नाली, नाला होता है, उसके अंदर एक सर्कुलर वो होता है, होल होता है, उसमें इंसानों को कूदते हुए आपने देखा ना, इंसान उसमें अंदर जाते हैं, उसमें से कचरा निकालते हैं. वो भी काम आज कौन करता, आज भी दलित करते हैं कहीं कहीं पे. और इस दौरान कई दलित, कई ऐसे लोगों की क्या हो जाती है, जान भी चली जाती है. तो अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी इज इंटायरली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी. दैट वुड नॉट बी ट्रू, वो सही नहीं होगा कहना. हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया है एज अ सोसाइटी टू रिमूव दीज एविल्स फ्रॉम द सोसाइटी, बट स्काई इज द लिमिट. हमें और भी बहुत सारा काम करना है. तो भीमराव अंबेडकर भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. उस समय दलित के बच्चों को स्कूल में एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूल के बाहर ही बैठा दिया जाता था, ठीक है, पढ़ने का तो अलाउ ही नहीं था उनको. लेकिन जैसे जैसे भीमराव अंबेडकर क्या हुए, पढ़ाई की उन्होंने, और बहुत ही इंटेलिजेंट माइंडेड थे वो. उनके जैसा इंटेलिजेंट इंसान शायद ही पैदा हो फिर कभी, ऐसा हम कह सकते हैं. उनके साथ भी एक एक घटना हुई थी जब वो अपने पापा से मिलने कोरेगांव जा रहे थे. स्टेशन पे उनके साथ कोई नहीं आया उनको लेने के लिए, ना उनके पापा, ना उनके पापा के नौकर. देवर बेल ड्रेस्ड, वो अपने कजन्स के साथ जा रहे थे, तो बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ था. मतलब उनके पहनावे और उनके बोल चाल से ये कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किसी दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है. उसके बाद से टीटी आता है उनसे, सॉरी स्टेशन मास्टर आता है उनसे और मांगता है टिकट. वो टिकट दिखाते हैं, फिर पूछता है आप लोग कहाँ आए हो, तो बताते हैं हम अपने पापा से मिलने आए हैं, बट हमको लेने के लिए स्टेशन कोई भी नहीं आया, ना हमारे पापा आए, ना ही हमारे पापा के नौकर आए. तो फिर अगर आप मुझे कोई रास्ता बता दो तो मैं क्या करूंगा, वहां जा सकता हूं. तो वो कहते हैं स्टेशन मास्टर की, ठीक है आप अपना नाम बताओ, पूरा नाम क्या है. तो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव, मतलब उस समय डॉक्टर नहीं होते, उस समय वो 9 साल के ही होते हैं. तो भीमराव अंबेडकर बताते हैं और बोलते हैं कि किस कम्युनिटी से हो आप. तो हम महार हैं. क्या? महार कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है. तो जैसे ही महार सुनता है वो स्टेशन मास्टर, वो एकदम सन्न रह जाता है, वो अपने आप को थोड़ा उनसे दूर खींच लेता है. बिकॉज महार उस समय क्या माना जाता था कि ये एक अनटचेबल कम्युनिटी है, ठीक है. और उसके बाद से वो वापस चले जाते हैं. फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ और किसी टैक्सी वाले, सॉरी टांगे वाले से कहो अगर वो ले जाए तो टांगे वाले से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं होता. बिकॉज वो क्या है, महार है, उनके कजन, और वो महार होते हैं. और वो कम्युनिटी बहुत ही गंदी कम्युनिटी मानी जाती थी. मीन्स अनटचेबल्स का मतलब ही होता है अछूत, कोई ऐसा जिसे हम छू भी ना सकें, ठीक है. तो इस वजह से अंबेडकर को बहुत बुरा लगता है.
ठीक है, यही स्टोरी है अंबेडकर की। अब हम पढ़ते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। देखो अब यहां पे इक्वालिटी कहां है, ये टॉप ये बॉटम, इसके बीच में कहीं बराबरी है? इनको हर एक काम करने का अवसर है, इनको सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करने हैं, सिर्फ और सिर्फ वो काम जो एक इंसान करते हुए मर जाना पसंद करेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको वो काम करना है, जैसे कि नाली में उतरना, लोगों के टॉयलेट्स को अपने सर पे ले जाना, मरे हुए एनिमल्स को गांव से हटाना, ये काम किसका है? सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल का है, ठीक है। तो अब बताओ कि पढ़ाई ये लोग अच्छा से करेंगे, ये लोग अच्छा से करेंगे, ये क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में इक्वालिटी है? देयर इज नो इक्वालिटी, इनके बीच में कोई भी इक्वालिटी नहीं है। तो ये इसी इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या, हमारे सोसाइटी ने या हमारे फोर फादर्स ने क्या किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूंगा और मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा दलित के बारे में, दलित क्या होता है? दलित इज अ टर्म दैट इज यूज्ड बाय द अनटचेबल्स टू एड्रेस देमसेल्फ। अनटचेबल्स ने इस वर्ड को यूज किया था, और मतलब क्या होता है दलित का? ब्रोकन, ओके। कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच a ladder is there, ladder is there, the top of the ladder is placed by upper caste people and the bottom is for lower caste, okay। So इसी के वजह से यहाँ पे हमारे society में inequality है बहुत सारी, got it। अब हम पढ़ेंगे striving for equality, next है striving for equality, मतलब हमने equality के लिए क्या क्या किया। तो equality एक value है, ठीक है, equality is a value, और ये एक ही दिन में नहीं आती है, ये आएगी भी नहीं, हो सकता है कि आज आए फिर खत्म भी हो जाए, ठीक है। तो इक्वालिटी के लिए हमें हमेशा रेगुलरली लड़ाई करनी होती है, लड़ाई मतलब ये नहीं कि हथियार निकाला और गोली मारना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, मतलब हमें काम करना होता है, गवर्नमेंट को काम करना होता है, एज अ सोसाइटी मेंबर हमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वी वर द स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स बिफोर 1947। 1947 में जब हम आजाद हुए तो आजादी की लड़ाई में लोग ब्रिटिशर्स से तो लड़ ही रहे थे, वो इक्वालिटी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स थे, जैसे अनटचेबल्स थे, ये अपना अधिकार के लिए कि हमें भी टेंपल में एंट्री करना चाहिए, अनटचेबल्स को टेंपल में भी एंट्री नहीं होती थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अनटचेबल ग्रुप थे, दलित ग्रुप्स थे, जो इकट्ठे होकर टेंपल एंट्री के लिए आंदोलन करते थे। महिलाएं, इनइक्वालिटी तो बहुत सारे बेसिस पे हो सकती है, महिलाएं जो थी वो भी कहती थी कि चलो हम तो आजादी के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे। महिलाओं का क्या मांग था? दैट उन्हें भी बराबरी के साथ एजुकेशन मिले, जैसे कि मेन एजुकेशन ले रहे हैं उसी तरह से फीमेल भी एजुकेशन ले, ठीक है। उसी तरह से कुछ फार्मर्स और ट्राइब्स जो थे वो कह रहे थे कि हमें जो मनी लेंडर्स हैं, जो हमें लोन देते हैं, उनके चंगुल से निकालना है, उन्हें उनके चंगुल से हमें बाहर कीजिए, क्योंकि ढेर सारा लोन हमें दे दिया है इन लोगों ने और हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो इसके वजह से वो हमारे जमीन को हड़प ले रहे हैं। सो ये सब चीजें थी, अलग अलग हॉरिजोन में बटा हुआ था इक्वालिटी वाला सोसाइटी, सब लोग इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स, ओके। तो और बहुत हद तक कामयाबी मिली भी, और जब हमारा देश आजाद हुआ इन 1947 हर कंट्री गॉट फ्रीडम, हमारी जो देश इंडिया है वो ब्रिटिशर्स को अपने देश से खदेड़ती है
और अल्टीमेटली हम क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं. इंडिया विन इट्स विक्ट्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स इन 1947 एंड 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला चीज जो है इक्वालिटी पे जोर दिया जाता है, ठीक है, कि हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. तो इसमें इक्वालिटी के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा. उनको क्या दिया जाएगा, मतलब इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में हमारे संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई, जिसमें कि ये भी लिखा गया क्या कि रूल ऑफ लॉ एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ. सारे लोग कानून के सामने क्या है, बराबर हैं. फिर ये भी कहा गया कि जो अलग अलग धर्म के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, दे आर फ्री टू प्रोफेस प्रोपेगेट देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वो भारत में रह सकते हैं और अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के. और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि जो भारत सरकार है, जो भी भारत सरकार रहेगी वो सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करेगी, किसी भी धर्म को एक तरीके से बढ़ावा नहीं देगी और किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाएगी, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है. इन द सेम वे सारे जो लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब बराबर का मौका दिया जाएगा कि वो जो भी जॉब करना है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो, वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, किसी भी सर्विस सेक्टर में जाके जॉब कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत सरकार ने अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को भारत सरकार ने, मतलब भारतीय संविधान ने क्या किया, क्रिमिनलाइज्ड कर दिया. मतलब कहा कि अगर कोई भी छुआछूत को प्रैक्टिस करता है कोई भी इंसान, तो उसे हम क्या समझेंगे, क्रिमिनल समझेंगे, उसे एक अपराध समझेंगे और उसे जेल भी हो सकती है. तो भारत सरकार ने इक्वालिटी के लिए क्या किया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया. एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया. और फिर क्या किया, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको अधिकार दिया कि आप अपने धर्म के को प्रचार कर सकते हो, आप डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हो और क्या कर सकते हो. देयर आर मेनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, सब लोग को बराबर का अधिकार है कि गवर्नमेंट जॉब कर सके. पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ जो अपर कास्ट के लोग थे वही अच्छे जॉब में जाते थे, मतलब आजादी से पहले. और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो क्या थे, वो मजबूर थे वही काम करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि टॉयलेट साफ करना या फिर मृत जो जानवर होते हैं उनको गांव से हटाना, यही सब काम था उनका. लेकिन भारतीय संविधान ने उसके बाद से क्या किया, ये सब चीजों को खत्म कर दिया. सो ये हमने किया, हमने क्या किया, पहली चीज हमने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया. फिर रिलीजियस फ्रीडम दी हमने, क्या दिया, रिलीजियस फ्रीडम, कि कोई भी इंसान अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है. देन हमने क्या कहा कि आप किसी भी जॉब में जा सकते हो, एनी गवर्नमेंट जॉब, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, लोकेलिटी, आप कहीं से भी हो, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आप किसी भी धर्म में, किसी भी जॉब में जा सकते हो. और क्या किया, और भी बहुत सारा प्रोविजन है जिसको भारत सरकार, भारतीय संविधान ने अपने में शामिल किया, जिससे कि आज हमारी जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इक्वालिटी नहीं आई है, लेकिन हमने बहुत सारा अचीव किया है. एंड जैसा कि मैंने बोला कि स्काई इज द लिमिट, हमें बहुत सी चीजें करनी है.
ठीक है। तो इसमें और थोड़ी सी पार्ट बची हुई है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, हैव अ नाइस डे। होमवर्क आपका क्या रहेगा? होमवर्क यही रहेगा कि पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैस्ट सिस्टम, व्हाट इज कैस्ट सिस्टम। सेकंड वन, व्हाट डू यू मीन बाय दलित, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दलित। व्हाट इज अनटचेबिलिटी, व्हाट इज अनटचेबिलिटी। एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट वाज द वर्क असाइन फॉर द लोअर क्लास पीपल और लोअर कैस्ट पीपल। ओके, व्हाट वर द वर्क्स असाइन फॉर लोअर क्लास पीपल। इसका मतलब हुआ कि लोअर क्लास के पीपल लोग के लिए कौन सा काम उस समय असाइन किया गया था, कौन सा काम उन्हें करना पड़ता था। ठीक है, ये सब करना है आपको, करके आप लोग देना। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा यूनिट 2 गवर्नमेंट। बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनेंगे उसके बाद और आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।